हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। आए दिन नशे के मामले भी पुलिस थानों में दर्ज हो रहे हैं। युवाओं को नशे की गिरफ्त से कैसे निकालना है, इसके लिए इस समय समय पर जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं और कई तरह की खेल गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। फिर भी युवा नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। ऐसे में युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए OPD भी लगती है, जहाँ परिजन अपने बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। जोनल अस्पताल मंडी की मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता ठाकुर ने कहा कि नशा एक बीमारी है और इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। नशे बहुत सारे हैं, लेकिन युवा चिट्टे की गिरफ्त में ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों को अपने बच्चों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। उनका बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है, घर से दूर रह रहा है या कामकाज से बच रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसे की अधिक मांग हो रही है, तो ऐसे में परिजनों को जागरूक होना आवश्यक है। नशे के आदि युवाओं को नशा सुधार गृह में भी रखा जाता है। डॉक्टर अनीता ने कहा कि अधिक से अधिक लोग अस्पताल पहुंचे और OPD का लाभ उठाएं। जोनल अस्पताल मंडी की मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता ठाकुर ने बताया कि नशा निवारण केंद्र पद्धर में 142 लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इनमें 64 लोग चिट्टा से ग्रसित थे। मौजूदा समय में नशा निवारण केंद्र में 2 लोग उपचाराधीन हैं। मंडी शहर में या हिमाचल में ही बात कर लें, नशा बढ़ता जा रहा है और इसमें ज़्यादातर परेशान होने वाली बात अगर हम मान लें तो चिट्टा ज़्यादा नज़र में आ रहा है। वैसे तो और भी नशे हैं, पर लोग आजकल चिट्टे को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो हम इनका इलाज, पेशेंट्स जो भी आते हैं या तो वो खुद आ जाएंगे या उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें लेके आते हैं, तो इलाज है इसका संभव। मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सबसे, ये बात है कि इलाज संभव है, इसलिए OPD में ज़रूर लाएं। फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा जागरूक हो, जैसे कि उनका बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर घर से ज़्यादा दूर रह रहा है, गायब हो जा रहे हैं, कामकाज से गायब हो जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है फैमिली में या ज़्यादा पैसे की डिमांड हो रही है, कई बार सोशल लाइफ भी ख़राब हो जाती है और चिट्टे के कारण कानूनी कार्यवाही भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा एक स्टेप लें कि अपने फैमिली या आस पड़ोस में भी देखते हैं तो लोगों को लेके आए हॉस्पिटल, क्योंकि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज ज़रूरी है। आदत नहीं है ऐसे कि कोई भी छोड़ देगा, इसके लिए हमें यथासंभव जो भी कोशिश है सोसाइटी और फैमिली मेम्बर्स को करनी है। कुछ लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि बहुत से नुकसान हो गए, शरीर को नुकसान हो गया है, तो वो खुद इलाज के लिए आते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, पहले लोग छुपाते थे, अब सामने आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो कुछ जो नहीं छोड़ पाते हैं बार बार, उन्हें हम एडमिशन्स की भी सुविधा है, हमारे पास नशा निवारण केंद्र है रघुनाथ का पत्थर में, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 142 इनमेट्स रह चुके हैं और काफ़ी लोग अभी फॉलोअप पे भी हमारे पास हैं। और इसमें अपना वो नॉर्मल लाइफ जो पहले जीते थे वो दोबारा से शुरू कर दिया उन्होंने। पर अभी भी मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं वो फॉलोअप पे प्लीज़ दोबारा वापस आएँ, क्योंकि नशा दोबारा जकड़ भी ले सकता है किसी को भी। तो इसके लिए हमें हर एक बार नए स्टेप सीखने हैं, नई चीज़ें सीखनी है कि नशे से दूर रहा जाए। लोगों से, मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अपने आस पड़ोस घर परिवार में जागरूक रहें और लोगों को इसका इलाज करने में सहायता करें। हमारा नशा निवारण केंद्र रघुनाथ का पत्थर में अभी तक 142 लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ये स्वास्थ्य हमारा जो डाटा है ये 5 सितंबर 2021 से है, जब ये नशा निवारण केंद्र शुरू हुआ था। तो इनमें से 64 लोग चिट्टा से ग्रसित थे जिन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, और आजकल हमारे पास 2 एडमिशन हैं यहाँ पर जो कि उपचाराधीन हैं, और कुछ लोग फॉलोअप पे हैं और कुछ लोग अपना वापस नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं और वापस अपना वही कामकाज शुरू कर लिया।